What's up everyone, welcome back to the channel. कल हम लोगों ने अकाउंटेंसी की 10 बेसिक टर्म्स पढ़ी थी. अगर आप लोगों ने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा तो जाके पहले वो देख लो. 10 बेसिक टर्म्स आनी चाहिए. उसके बाद आज 11th के साथ स्टार्ट करने वाले हैं. अब हम पढ़ने वाले हैं आज कुछ और नई बेसिक टर्म्स जिससे आपकी अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज बहुत स्ट्रांग हो जाएगी. तो आ जाओ जल्दी से फटाफट शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी 10 टर्म्स नई या ज्यादा भी आज पढ़ने वाले हैं. लेट्स बिगिन एवरीवन. स्टार्ट करते हैं हम लोग और जो सबसे पहला टर्म है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है परचेजेस. दूसरा टर्म जो पढ़ेंगे वो है सेल्स. तीसरा टर्म जो पढ़ेंगे वो है परचेज रिटर्न. और चौथा टर्म जो पढ़ेंगे वो है सेल्स रिटर्न. अब देखो जल्दी से समझो इस बात को. परचेजेस और सेल्स, ये जो दो वर्ड्स हैं बेटा जी, ये जो दोनों ही वर्ड्स हैं, ये हमेशा यूज होते हैं गुड्स के लिए. गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब होता है जिनमें हम डील करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस वाटर बॉटल्स का है, तो मेरे लिए अगर मैं वाटर बॉटल बाय कर रहा हूँ बेचने के लिए तो मैं उसको क्या बोलूंगा? परचेजेस. अगर मैं यही वाटर बॉटल सेल कर रहा हूँ तो मैं क्या बोलूंगा? सेल्स. तो हमारे पास गुड्स के लिए हम स्पेसिफिकली दो वर्ड्स यूज करते हैं. अगर खरीदा तो परचेजेस, बेचा तो सेल्स. तो गाइज अब जो नेक्स्ट टर्म्स आती हैं, देखो ये दोनों तो गुड्स के लिए यूज हो गई कि भाई जिसमें भी मैं डील करूं. अब जब भी मैं सामान बेचता हूं यानी कि अगर मैं सेल करता हूं तो उस सामान को कभी कभी ऐसा हो सकता है कस्टमर को अच्छा ना लगे. कस्टमर वापस भी कर सकता है. सपोज मेरा कपड़े का काम है, गारमेंट्स का काम है, तो गारमेंट्स अगर मैं बेच रहा हूँ तो ऐसा हो सकता है वो सही साइज ना हो या कुछ और प्रॉब्लम हो, तो वो कस्टमर वापस भी तो करेगा. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न. मतलब अगर मैंने जो सामान बेचा और वो सामान वापस आ रहा है तो उसको क्या बोलना है? सेल्स रिटर्न. अब देखो यार, सामान वापस आ रहा है ना, अगर सामान वापस आ रहा है तो मैं बोलता हूँ कि मेरे बिजनेस के अंदर सामान आ रहा है, तो इसको हम इनवर्ड भी बोलते हैं. मतलब कि सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड. ठीक है, कि आपने कस्टमर को जो भी सामान बेचा उसको पसंद नहीं आया या कुछ और दिक्कत आया उसने वापस करा, तो उसको क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड्स. सिमिलरली अगर मैंने सामान बाय करा उसको मैं क्या बोलता हूँ? जो गुड्स बाय करे तो परचेजेस. भाई अगर ये खराब निकले तो मैं भी तो वापस करूंगा, सामान मेरे पास से जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड. आउटवर्ड क्यों? बिकॉज हमारे पास से गुड्स आउटवर्ड जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं. इनवर्ड क्यों? हमारे पास आ रहा है वापस, जो बेचा था वही तो वापस आएगा. तो सेल्स रिटर्न में रिटर्न इनवर्ड, परचेज रिटर्न में रिटर्न आउटवर्ड. तो ये हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं जो गुड्स के लिए यूज करी जाती हैं. ठीक हो गया. अब हम बात करते हैं, कल हमने प्रॉफिट पढ़ा था, एक टर्म होता है गेन. गेन क्या होता है सर? गेन होता है हमारा वो फायदा जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं पानी में डील करता हूँ या मैं गारमेंट्स में डील करता हूँ, तो अगर मैं सामान बेच के पैसा कमा रहा हूँ, मेरे गुड्स बेच के पैसा कमा रहा हूँ, तो वो मेरी इनकम्स प्रॉफिट्स ये चीज़ें हैं. लेकिन गेन क्या है कि मेरी लॉटरी लग गई. अब लॉटरी का बिजनेस थोड़ी ना है अपना, लॉटरी लग गई तो पैसा आ गया, वो एक गेन है. या फिर मेरे पास कोई बिल्डिंग पड़ी हुई थी, मैंने वो बिल्डिंग बेच के पैसा कमा लिया, वहां से फायदा हो गया, वो गेन है. मतलब कि अगर कोई भी बेनिफिट हो रहा है और वो मेरे बिजनेस से नहीं हो रहा तो मैं उसको क्या बोलता हूँ? गेन बोलता हूँ. ठीक होता है. तो ये हमारी बेसिक 5 टर्म्स आ जाती हैं. इसके बाद अब और आगे चलते हैं. इसके बाद अगर हम आगे चलें तो हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे नंबर 6 पे हम लोग लिखते हैं डेटर्स, नंबर 7 पे हम लोग लिखते हैं क्रेडिटर्स. इसको हम डेप्टर नहीं बोलते, बहुत सारे बच्चों को हैबिट होती है डेप्टर. डेप्टर कुछ नहीं होता, डेप्टर बोलोगे ना तो नौकरी जाएगी तुम्हारी पक्का. डेप्ट नौकरी का मतलब इंटरव्यू देने जाओगे तो बाहर निकाल देगा वो. डेप्टर कुछ नहीं होता. क्या बोलना है? डेटर. इसे भूल जाओ, बोलना क्या है? डेटर. ठीक है. अब डेटर क्या होता है सर? डेटर बड़ा सिंपल है. देखो डेटर क्या है कि अगर मैंने किसी को सामान सेल करा, फॉर एग्जाम्पल चिंटू का बिजनेस है, ये हमारा चिंटू, और चिंटू ने सामान बेचा चिंटी को. अरे ये क्या बना दिया,
चिंटू ने सामान बेचा, चिंटी को सेल करा और पैसा अभी तक नहीं मिला। बेचा लेकिन अभी तक नहीं मिला। कई बार ऐसा होता ना कि उधार में बेच दिया जाता, चिंटी इसकी अच्छी फ्रेंड है, इसको बेच दिया, पैसा अभी तक नहीं मिला। अब पैसा नहीं मिला तो ऐसा नहीं है कि चिंटू लेगा नहीं पैसा। चिंटू अपनी बुक्स में, अपनी कॉपी में, अपनी डायरी में लिख के रखेगा कि मुझे चिंटी से इतना पैसा लेना है। तो चिंटी इसके लिए कौन हुई? डेटर। डेटर कौन होते हैं? जिनसे हमें पैसा लेना होता है उसको क्या बोलते हैं? डेटर बोलते हैं। मैं किसी को भी सामान बेच रहा हूं और मैं उससे पैसा लेना है मुझे, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? डेटर। इसका जस्ट रिवर्स क्या होता है? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या है? चिंटू ने सामान बाय करा, परचेज करा, इस बार सर सामान खरीद लिया। अब अगर चिंटू ने सामान खरीदा है उधार में, तो इसने अब चिंटी का पैसा देना है, इसने पैसा देना है। तो अगर किसी का भी पैसा देना है तो फिर वो क्या होते हैं? हमारे क्रेडिटर। तो अगर आपने किसी से पैसा लेना है तो वो डेटर है, अगर आपने किसी को पैसा देना है तो वो क्रेडिटर है। वेरी सिंपल, समझे ना? तो अब हम लोगों ने परचेज पढ़ा, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, गेन, उसके साथ हमने आज पढ़े डेटर्स और क्रेडिटर्स। ठीक हो जाता है जी। अब इसके बाद हम लोग कुछ और टर्म्स पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बैड डेट्स। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम लोग? बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है? देखो, बैड डेट्स ये होता है कि हमने किसी से पैसा लेना है, ठीक है। सपोज चिंटू ने मिंटू से पैसा लेना है। नए करेक्टर की एंट्री करते हैं। चिंटू से मिंटू से पैसा लेना है। अब मिंटू कौन हो गया? इसका डेटर हो गया कि भाई इससे पैसा लेना है। अब होता क्या है, मिंटू भाई भाग जाते हैं ऑस्ट्रेलिया। मिंटू भाई कहाँ चले जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं और ये बोलते हैं कि मैं तो पैसा नहीं दूंगा भाई, मेरे पास आपका कोई पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं दूंगा। तो चिंटू क्या करेगा? चिंटू कहेगा भाई ये तो लॉस हो गया, ये तो पैसे गए। तो चिंटू के लिए ये जो पैसा है ये क्या हो गया? बैड डेट्स हो गया। ये क्या हो गया? बैड डेट्स हो गया। अब हम लोग के साथ कई बार ऐसा होता है कि ठीक है यार, बच्चे आए, पढ़े, पढ़ के चले गए, हमारी फीस तो दी नहीं। अब YouTube पे तो ऐसा नहीं है, YouTube पे तो चलो हम वीडियोस डाल रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हो, कोई फीस का लेन देन ही नहीं है। लेकिन जब फेस टू फेस होता है, जब बच्चे पढ़ते हैं, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि यार चलो, बच्चे कहते हैं कि हम लोग सर नेक्स्ट मंथ देंगे या मंथ के एंड में देंगे, तो ठीक है यार कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन सिचुएशन ऐसी होती है कि मंथ के एंड में एक महीना हो गया, उसके बाद बच्चे पता ही नहीं कहाँ गए। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि बैड डेट्स हो जाता है। तो बैड डेट्स मीन्स कि आपको किसी से पैसा लेना है और वो नहीं मिलने वाला, तो उसको क्या बोलते हैं हम? बैड डेट्स। बैड डेट्स के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? बैड डेट्स के बाद हम लोग कुछ ट्रांजेक्शन और पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले हम बोलते हैं लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक क्या होता है? लाइफ स्टॉक होता है अगर बिजनेस में कुछ एनिमल्स यूज करे गए हों। अगर आपके बिजनेस में कोई एनिमल्स यूज हो रहे हैं, जैसे कुछ होते हैं ना हॉर्सेस को यूज करते हैं अपने बिजनेस का सामान इधर से उधर ले जाने के लिए, बफेलोज को यूज करते हैं, तो वो लाइफ स्टॉक होता है। तो अगर आपके बिजनेस में कहीं पे भी एनिमल्स को यूज करा जा रहा है, दैट इज अ लाइफ स्टॉक फॉर यू। चलता फिरता स्टॉक, लाइफ स्टॉक, ठीक है। अब होता है हमारे पास एक टर्म और, इसको हम बोलते हैं इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट, इनसॉल्वेंट का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल, उसके सारी संपत्ति वगैरह बिक चुकी है, उसकी सारी प्रॉपर्टी बिक चुकी है, उसके पास कुछ नहीं है देने को, तो कोर्ट उसको क्या डिक्लेयर करता है? इंसॉल्वेंट, कि भाई इसका दिवाला निकल गया, ये इंसॉल्वेंट हो चुका है। मतलब कि एक इंडिविजुअल इस पोजीशन में पहुंच चुका है कि उसकी सारी प्रॉपर्टी वगैरह बिक गई, अभी भी उसके ऊपर कर्जा है, लेकिन वो अब कुछ नहीं दे सकता। वो बैठ के कहता है भाई मार लो मुझे, पैसा तो है नहीं मेरे पास, अब कोई भी संपत्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट हो गया भाई ये तो। तो अगर एक इंडिविजुअल हु इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे हिज डेट्स, अपने कर्जे नहीं चुका सकता, उसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं। जब तक वो चुका सकता है तब तक हम उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। अगर कोई इंडिविजुअल अपने कर्जे चुका सकता है तो उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, नहीं चुका सकता तो उसको हम इनसॉल्वेंट बोल देते हैं। तो ये होते हैं हमारे पास कुछ और न्यू टर्म्स जो मैंने आपको आज पढ़ाए। आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा रखेंगे बिकॉज आई हैव सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क और मुझे निकलना पड़ेगा। तो आज तुम लोग यही पढ़ लो, 10 टर्म्स कल पढ़ाए थे, 10 आज पढ़ लो और बहुत अच्छे से इनका रिविजन कर लो। अगली वीडियो में चैप्टर को खत्म कर देंगे, कुछ ज्यादा टर्म्स नहीं बची, थोड़ी सी टर्म्स बची हैं उसको खत्म करेंगे, फिर चलेंगे कुछ और न्यू चैप्टर्स की तरफ। तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखें और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो। थैंक यू सो मच एवरीवन।